नमस्ते जी, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अनिल एनजे। तो गाइस, आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो है छुर्पी सुपारी, विच इज़ वेरी फेमस अमंग नेपाली कम्युनिटी। एंड हम लोग आज घर पे छुर्पी सुपारी बनाने का ट्राई करेंगे। हम लोग के पास मशीन वगैरह तो नहीं है, ज़्यादातर लोग मशीन के हेल्प से ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग आज कुछ ऑर्गेनिक लकड़ी के हेल्प से बनाएंगे, आप लोग को वो दिखाएंगे। तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम से अगर मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट छुर्पी बनाने का प्रोसेस। तो हम लोग ने यहाँ पे अभी रेडी किया है 4 लीटर दूध, और इसको हम लोग गर्म करेंगे। और मैंने रखा है 3 बड़ा वाला नींबू, और ये नींबू को हम लोग काट के इसका जूस अलग करेंगे। अभी आप लोग देख लीजिए, इसको मैं करूँगी, इसको 2 हिस्से में हम लोग ने काट लिया है, और अभी इसको निचोड़ के हम लोग रस अलग करेंगे। अभी हम लोग का दूध जो है वो गर्म हो रही है। हम लोग ने इसको आग पे ही बिठाया है, क्योंकि दूध का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम लोग गैस में इसको रखने से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आग में बनाया है। आग में ही बनाने से अच्छा रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी भी बिठाया है दूध को, इसको गर्म होने तक हम लोग को गर्म करना है। ये दूध गर्म हो रही है, एंड हम लोग ने जो नींबू का रस बनाया था वो अभी इतना हो गया है। आई थिंक इतना डालने से तो ये दूध को फटेगा, ये फटने के लिए हम लोग डाल रहे हैं। अभी ये दूध उमल चुका है, एंड हम लोग ने डाल दिया है नींबू इस पे, तो अभी ये को हिलाते रहना पड़ेगा जब तक ये अच्छे से फट नहीं जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये फट गया है थोड़ी थोड़ी, लेकिन टाइम लगेगा ये फटने में। टाइम आग नहीं लगाना पड़ेगा, आग लगाएंगे तो ये उबल के निकल जाएगा, तो हम लोग ने आग को निकाल दिया है। तो अभी हम लोग ने इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया है, और ये ठंडा होने तक इसको रखना पड़ेगा। जब ये ठंडा होगा उसके बाद हम लोग इसको फ्रेम पे डालेंगे। तो मैं आपको ठंडा होने के बाद फिर से इसको फ्रेम पे डालने का प्रोसेस क्या है वो दिखाऊंगी। ये फ्रेम हम लोग ने रेडी कर लिया है, और यहाँ पे प्लास्टिक भी रखा गया है। जो हम लोग ने दूध को बॉईल किया था उसमें जो नीचे में पानी रहेगा उसको हम लोग ने गिराने के लिए ये बाल्टी रखा है प्लास्टिक का नीचे में, ताकि ये पानी को ज़मीन में ना गिरे। अभी यहाँ पे हम लोग पतला वाला कपड़े को रखेंगे, पानी को गिराने के लिए पतला वाला कपड़ा को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो दूध को फटाया था उसको लेके आया है, और इसका जो ऊपर में है इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ये छुर्पी को अभी जो फ्रेम है उसके लेवल में करना पड़ेगा, अगर लेवल में नहीं करेंगे तो फिर ये टेढ़ा आ जाएंगे बाद में सूखने के बाद। ये छुर्पी बनाने के लिए मशीन होता है, उस मशीन से ही वो लोग साइज एंड शेप में करते हैं, लेकिन हम लोग के पास ये मशीन नहीं है, तो हम लोग ने लकड़ी का एक फ्रेम किया है, और इसी के दूध से हम लोग अभी छुर्पी बना रहे हैं।
फिर भी यहाँ पे दो टाइप्स का बनाया जाता है, एक जो है वो सब्जी खाने के लिए और दूसरी जो है ये च्यूएबल छुर्पी है, हम लोग इसको च्यू करके खा सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे रखेंगे। अभी हम लोग का छुर्पी रेडी हो गया है। अभी इसको हम लोग कवर अप करके फिर कुछ भारी चीज़ों से इसको ढक के रखेंगे। इसको हम लोग वही कपड़े से ढक रहे हैं। हम लोग का जो छुर्पी था वो अभी इस फ्रेम के अंदर हो गया, तो अभी हम लोग इसके ऊपर से एक कुछ भारी चीजों से उसको कुचल के रखेंगे। फाइनली इसको हम लोग ने सेट कर लिया है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी भी गिर रहा है और बाल्टी के अंदर इतना हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग ने 5 kg का ढक रखा है और अभी हम लोग इसको सुबह कल सुबह तक रखेंगे। अभी दोपहर का 11 हो रहा है टाइम, तो कल सुबह हम लोग इसको निकालेंगे, फिर निकाल के कट करके फिर हम लोग घाम में उसको धूप में सुखाएंगे। गाइस तो अभी हम लोग सुबह हो चुके हैं एंड इसको निकाल रहे हैं। हम अभी इसको निकाल के फिर धूप में सुखाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कैसा बना है हम लोग का छुर्पी। वाव कितना अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है इसको। वाव वाव फाइनली वाव। गाइस फाइनली हम लोग का छुर्पी सेट हो गया है। वाव कितना अच्छा दिख रहा है हम लोग का छुर्पी। वाव वाव लाइक इट गाइस। तो अभी हम लोग इसको लेके आए हैं किचन में। अभी इसको हम लोग पीस पीस करेंगे एंड फिर उसको धूप में सुखाएंगे। चलिए इसको काटते हैं। थोड़ा लेवल करने के लिए हम लोग ने स्केल अभी नहीं है तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं स्केल के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से कट हो रहा है। ये तो पनीर की तरह दिख रहा है। ओह माय गॉड, जब तक ये हार्ड नहीं होगा तब तक ये इसको सुखाना पड़ेगा। फिर हार्ड होने के बाद पीस पीस करके हम लोग इसको कटेंगे। इट्स लाइक अ छुर्पी सुपारी। हम लोग ने ये घर पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया है क्योंकि ज़्यादातर छुर्पी हम लोग बाहर से ही खरीद के खाते हैं, तो अभी तक हम लोग घर। इसको हम लोग अभी कट करके धूप में सुखाएंगे। यहाँ पे बहुत धूप है। गाइस अभी हम लोग का छुर्पी रेडी हो गया है। हम लोग ने 5 दिन इसको धूप में रखा है एंड थोड़ा आग में भी रखा है और ये अभी रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं
ये बहुत हार्ड हो गया है, ये देख लीजिए। अभी इसको अच्छी तरह से वो हार्ड नहीं हुआ है, अभी इसको हार्ड करने के लिए बहुत ड्राई करना होता है एंड उसको अप्रोक्स 1 मंथ तक ड्राई करना होता है। तो अभी हम लोग तो ये घर में ही खाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, तो इसको हम लोग अभी कट करेंगे। चलिए गाइस, इसको हम लोग छोटी छोटी पीसेस में काट करते हैं, जिसको ये पीसेस को अपना मुंह पे डालने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं और छोटे करके भी काट सकते हैं। हम लोग का यहाँ पे सिक्किम में ये चुरपी सुपारी बहुत मिलता है एंड कोई लोग गाय का बनाते हैं तो ऊपर में जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ पे याक भी पाया जाता है, तो याक का चुरपी होता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग देख लीजिए, ये ऐसा हो गया है अंदर में ऐसा हो गया है। ये अच्छी तरह से सूखा नहीं है, बहुत अच्छे से ड्राई होने से ये बाहर का जैसा ही होता है। हम लोग इसको कल फिर धूप में सुखाएंगे काट करके। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का चुरपी कटिंग हो गया है। अभी मैं अगर सेल करने जाऊँ तो ये चुरपी पर पीसेस 5 रुपीज़ करके लगता है यहाँ पे। आप लोग मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा यहाँ पे मैंने कितना रुपीज़ का चुरपी बनाया है। इसको तो देखने में ही मेरा मुंह में पानी आ रहा है, कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। गाइस मैंने इसको भी टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी अगर आपके घर में भी दूध है तो आप भी ये ऑर्गेनिक स्टाइल का चुरपी बना के टेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आप लोग अभी ये तो चबाने में बहुत ही आसान हो रही है क्योंकि ये अंदर से सूखा नहीं है, वाइटी है, बाहर का जैसा कलर है ऐसा ही अंदर का भी होना चाहिए, इतना तक ड्राई होना चाहिए। तो अभी जो ये बचा कुचा चुरपी है इसको हम लोग कल धूप में सुखाएंगे। 1 मंथ तक रखने से ये सब सूख जाएगा, अच्छे से होगा। ये ना बहुत ही हार्ड होना चाहिए। तो अभी मैंने ये टेस्ट कर लिया है, बहुत ही टेस्टी हो गया है, इसको हम लोग सुखाएंगे। अगर आप भी मेरा रेसिपी यूज़ करके घर में ही ऐसा चुरपी सुपारी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, और मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड मेरा पहले वाला वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं, विलेज लाइफ इन सिक्किम एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 मैंने बनाया है। एंड और भी बहुत सारा वीडियोस है जो कि ट्रैवलिंग रिलेटेड है, ब्लॉग से एंड सिक्किम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैंने ट्रैवल किया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सिक्किम में अभी तक कोरोना का लॉकडाउन चालू है 14 जून तक, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जहाँ पे भी है स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अपना भी ख्याल रखिए एंड अपना का भी ख्याल रखिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जब तक हम दूसरा वीडियो में नहीं मिलते हैं तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।